गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। हम लोग का हिंदी लैंग्वेज में पार्ट छः हमने शुरू कर दिया था। उसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा था। आज हम लोग समास पढ़ेंगे, कंपाउंड्स। ओके, समास शब्दों को छोटा करने की क्रिया होती है। क्या होता है, समास करने से शब्द छोटा हो जाता है। समास अनेक शब्दों के मेल से अनेक पदों का मेल किया जाता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। भाई और बहन खेल रहे हैं। मंत्रियों के प्रधान ने मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। महान है जो राजा ने गरीब को दान दिया। प्रत्येक नागरिक के दिल में देश के लिए भक्ति होनी चाहिए। घोड़े पर सवार व्यक्ति गिर गया। देखिए, उपयुक्त वाक में रेखांकित पदों को यदि हम समास करके लिखना चाहे तो इस प्रकार से, भाई और बहन को क्या लिख दिया, भाई बहन लिख दिया। मंत्रियों के प्रधान को हमने क्या किया, प्रधानमंत्री लिख दिया। और महान है जो राजा को महाराजा लिख दिया। देश के भक्त के लिए भक्त देशभक्ति हो गया। घोड़े पर सवार घुड़सवार हो गया। ठीक है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों को समासिक पद कहलाते हैं। परस्पर संबंध रखने वालों शब्दों के मेल की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अतः समास द्वारा अनेक पदों के मेल से एक नया शब्द बनता है। इस प्रकार समास प्रक्रिया से बने हुए हैं। ठीक है, समझ गए ना, समास किसे कहते हैं। समास क्या है, जो शब्दों को हम लोग छोटा करके लिखते हैं। शब्दों के समस्त पद भी कहा जाता है। समासिक पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समस्त पद में दो होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद ये देखिए, पहले पूर्व पद जैसे नगरवास, नगर में वास, कुछ उदाहरण है ये। पाठशाला, पाठधनशाला, पढ़ने के लिए शाला। उद्योगपति, उद्योग धनपति, उद्योग का पति। यश प्राप्त, यश धन प्राप्त, यश को प्राप्त। समास के भेद, काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, कौन कौन से हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीय, द्वंद्व। अभी आपको चार ही बताए गए। सबसे पहले अव्ययी भाव देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद पहला पद अव्यय होता है तथा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं। जैसे पूर्व प्लस प्लस उत्तर पद। आ मरण, मरने तक। आजीवन, जीवन पर्यंत। प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष। इसी तरह ये सब कितने हैं, ये सब आपके अव्ययी भाव हैं। अब तत्पुरुष देखिए, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि समासिक और जब समासिक पद बन जाता है तो जो शब्द के मध्य कारकीय चिन्ह का के की मा में पर के लिए का लोप हो जाता है। जैसे यश को प्राप्त। क्या इन्होंने बता दिया, देखिए तत्पुरुष समास पद दूसरा पद प्रधान होता है और जब समासिक बन जाता है तो शब्दों के मध्य का कारकीय, कारक पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को करण से, कारकीय चिन्ह का लोभ हो जाता है। जो आठ कारक होते हैं उनका लोभ हो जाता है। कारकीय चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष की पहचान हो जाती है। जैसे कर्मधाय तत्पुरुष, कर्मधाय स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को गायब हो गया ना। देशगत, देश को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त।
करण तत्पुरुष, वो कर्म तत्पुरुष था, अब ये करण तत्पुरुष, करण से जिसमें लगता है, मन चाहा मन से चाहा, ठीक है। और संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान की का के लिए, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, रसोई घर रसोई के लिए घर, ठीक है। उपयुक्त समस्त प्रद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो गया, इसमें से का विलोप हो गया। अपादान से, अपादान का मतलब अलग होना होता है, भयभीत भय से भीत, काम चोर काम से चोर, ठीक है। से का लोप हो गया। संबंध काकेरी, राजा का पुत्र, सेनापति सेना का पति, इस तरीके से ये भी तत्व अधिकरण तत्पुरुष। वन में वास वनवास, दान वीर दान में वीर, इसमें में पर का लोप हो गया। तत्पुरुष समास के भेद देखिए कौन कौन से, कर्मधार्य समास द्विक समास। कर्मधारय जिस समस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। महाराजा, महान है जो राजा। नील गाय, नीली है जो गाय। नील कमल, नीला है जो कमल। काली मिर्च, काली है जो मिर्ची। उपमेय का संबंध देखिए, उपमा की जाती है कैसे, चंद्रमुख चंद्रमा जैसा मुख, कमल नयन कमल के जैसे नयन, विद्याधन विद्यारूपी धन, ठीक है। ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। कर्मधार में क्या मेन चीज है, आप कैसे कर्मधारय को पहचानेंगे, पूर्व पद विशेषण होता है और बाद वाला पद विशेष होता है, ठीक है। अब द्विग समास, द्विग में समासिक पूर्व पद पहला पद संख्यावाचक होता है तो उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे सप्तग्रह, सात दिनों का समूह, नवरात्र नौ रात्रियों का समूह, नवग्रह नौ ग्रहों का समूह, नवरत्न, ये सब क्या है, जैसे चौराहा, ठीक है, चौ है पंचरत्न नवरत्न सिद्ध पंच। तो पहला पद अगर संख्यावाचक होता है तो उसे हम लोग द्विक समास कहते हैं। बहुव्रीय समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि इसमें समस्त पद अपना शब्दार्थ को छोड़कर सांस्कृतिक अर्थ हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका अर्थ आशिव, पंचवटी पंच वृक्ष है कहाँ, चक्रधर चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु, घन श्याम घन के समान श्याम अर्थात कृष्ण, पीताम्बर पीले वस्त्र हैं जिसके अर्थात विष्णु। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका बहुव्रीय समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, अर्थात दोनों ही पद देखिए, जिस समास के दोनों पद समान महत्व रखते हों अर्थात दोनों ही पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास होता है। इस समास का विग्रह समय पद और दोनों अथवा आदि योजक शब्दों से जुड़े हैं, जैसे देश विदेश, देश भी इंपॉर्टेंट है विदेश भी, तो देश और विदेश, लाभ हानि लाभ और हानि, चाय कॉफी चाय या कॉफी, मतलब दोनों पद प्रधान है। देखिए अब इस पाठ में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, शब्द का निर्माण तीन प्रकार से होता है, उपसर्ग लगाकर प्रत्यय लगाकर और समास द्वारा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। पूरे पाठ में जो भी पढ़ाया गया उसको यहाँ दिया है, इसको आपको याद करना है। अब प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर के लिए क्या करेंगे, उपसर्ग किसे कहते हैं, अब मैं कॉपी में नहीं करूंगी, यहाँ दिया है क्वेश्चन, उपसर्ग किसे कहते हैं ये दिया है ना, इसके आगे मैंने लिख दिया है वन, तो ये आपका आंसर कौन सा है, वन। नाउ यू आर इन क्लास सिक्स, यू कैन डू, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से प्रश्न लेना है और उतारना है उसको कॉपी में, ठीक है।
प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, ये भी दिया हुआ है। ये देखिए, आपको ये सब काम हिंदी लैंग्वेज कॉपी में करना है। ओके शौर्य, यहाँ मैंने आंसर टिक कर दिए हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दिया हुआ है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सब हो जाएगा ना, जितने भी यहाँ प्रश्न है सबके उत्तर दिए हैं। इसी तरह सही गलत भी आप लोग कर लीजिएगा। ये देखिए, प्रत्यय लगा लगा के मैंने शब्द बनाए हैं, इसको खुद से ढूंढ के करिएगा, उसके बाद इससे करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट योर वर्क एंड रीड इट 2 to 3 टाइम्स। ओके, गुड डे।